हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास अस्तर है और साथ ही में मेरे पास है ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले अस्तर वाले ब्लाउज़ पर हम कटिंग करेंगे, इसके बाद हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक हम साइड में रखेंगे और अस्तर वाला जो फैब्रिक है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेजरमेंट्स हम इसी के ऊपर लेंगे। हाइट में रख रही हूँ 16 इंच, मतलब 16 इंच। 16 इंच पर यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम गिनेंगे गले की चौड़ाई। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंचेस। वैसे मैं 40 साइज़ के लिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कम ज़्यादा अपने अपने साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 40 साइज़ के लिए फ़िलहाल कर रही हूँ, लेकिन हम कैसे करें वो मैं आपको बता दूँ। मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर हम 3.5 इंच इसकी शोल्डर पट्टी का नाप लेंगे। तो 3.5 पर भी एक बार मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ से नीचे हम आरमोल का नाप लेंगे। तो आरमोल को मैं रखूँगी यहाँ पर 6.5 इंचेस। 6.5 पर मार्किंग कर लेंगे और इसे इस तरह से सीधी लाइन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमें बिल्कुल सीधे टेप रखना है जहाँ पर हमने मार्किंग कर रखी है आर्म होल की। और यहाँ पर हम 40 का 4th भाग लेंगे। तो 40 का 4th भाग हो रहा है 10 इंचेस। और आप अगर कम ज़्यादा साइज़ ले रहे हैं तो आप यहाँ 4th भाग ले लीजिए, आप जो भी साइज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग करूँगी। और अब इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा मार्जिन कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है 11.5 इंच। 11.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है। साथ ही में जहाँ पर हमने हाइट नापी है वहाँ पर हम कमर का 4th भाग लेंगे। अगर आपकी कमर जितनी भी होगी आप उसका 4th भाग ले लीजिए, या फिर आपने यहाँ पर जो भी मार्किंग करी है ये आप नीचे भी कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 38 इंचेस कमर का 4th भाग। 38 इंचेस कमर है तो उसका मैं 4th भाग यहाँ पर ले लूँगी 9.5 इंचेस। और 9.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है, देखिए फ्रेंड्स। और अब यहाँ से हम 1.5 इंच आगे लेंगे। तो ये हो रहा है 11 इंच हो रहा है 1.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ एक्स्ट्रा मार्जिन को जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब आर्म होल को हम 1.5 इंच अंदर गिनेंगे। ये बैक साइड का आर्म होल है तो 1.5 इंच अंदर पर मैं निशान कर लूँगी और यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको गोलाई देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। कर ली है हमने और बैक पार्ट को हमने टोटली अलग निकाल लिया है। अब हम अस्तर कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे और इस वाले बैक पार्ट को फिर से यहाँ पर रख के एज इट इज़ कट करेंगे। जैसे भी हमने बैक पार्ट को रखा है ऐसे ही हम इसे कट कर लेंगे। तो जहाँ पर भी जगह एडजस्ट हो रही है वहाँ पर आप इस तरह से रख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट को बिल्कुल वैसे जैसे ही बनाया था ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल का निशान एक बार और लगा लेंगे। तो हमने 6.5 इंचेस का आर्म होल लिया था तो मैं एक बार ये निशान लगा ले रही हूँ 6.5 इंचेस का जो भी है। ये भी जो है वो फ़िलहाल बैक का आर्म होल है। फ्रंट का आर्म होल को हम निशान लगाते हैं। तो ये बैक का हमने 1.5 इंच लिया था, फ्रंट का हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसे भी हम गोलाई देंगे। इस तरह से और फ्रंट साइड का है तो थोड़ा सा बाहर की ओर से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब फ्रेंड्स हम लेते हैं आगे का गला। तो गले की चौड़ाई हमने रखी थी 3 इंचेस। 3 इंचेस पर एक बार मार्किंग कर लेंगे। अब 3 इंचेस से नीचे मार्किंग कर रही हूँ मैं 7 इंच के लिए। ये आगे का गला है, अगर आप कम ज़्यादा यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। 7 इंच पर मार्किंग कर ली।
यहाँ से भी आप 3 इंचेस बराबर से गिन लीजिए। अब यहाँ पर 4 इंच की रख रही हूँ तो 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और एक बार कर लेंगे 4 इंच पर मार्किंग, साथ ही में एक बार और 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को हम सेम जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से इसी के ऊपर एक बार फिर से टेप रखेंगे और इसे 4 इंच आगे ले लेंगे और 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब 1/2 इंच ऊपर रख के हम इसे एक बार और इस तरह से जोड़ेंगे, बिल्कुल सीधे में जोड़ना है। और यहाँ से हम ले लेंगे 4 इंचेस, 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और दे देंगे इस तरह से गोलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गोलाई दे दी। अब फिर से एक बार इसी के ऊपर टेप रखेंगे और इसे हम ले लेंगे 4.5 इंचेस। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 4.5 इंचेस। अब इसको हम 2.5 के लिए ऊपर सीधे लकीर लगा लेंगे, ये हमारा टक्स होगा। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल सीधे लकीर लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा टक्स बनेगा। तो हमें 1.5 इंच का टक्स चाहिए, अगर आप चाहें तो आप 2 इंच का भी ले सकते हैं क्योंकि 40 साइज़ है। तो यहाँ पर 1.5 इंच का टक्स मैं अभी ले रही हूँ। तो 1.5 इंच के टक्स के लिए 7 लाइन्स पर सेंटर रखेंगे, 7 लाइन पर, और यहाँ एक मार्किंग करेंगे और यहाँ एक मार्किंग करेंगे। अब ये बन गया हमारा 1.5 इंच वाला टक्स, इसको इस तरह से जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच जितना, और इसे इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तिरछा जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच कपड़ा, 1.5 इंच का मार्जिन अंदर लिया है तो ये हम यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 1.5 इंच जितना हम आगे बढ़ा लेंगे इसे, और यहाँ से बढ़ा लेंगे 1 इंच जितना। तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया मैंने और यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया है 2 इंच। और इसे हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बाकी कहीं पर भी कुछ बढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा कपड़ा जो एडजस्ट होगा। तो यह इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन ले लिया है और ये जो 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर चला जाएगा इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले ली है। 1.5 इंच का टक्स है इसीलिए मैं 1.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। अगर आपका 2 इंच का है तो आप 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पर भी मैं 1 इंच अंदर और इसे गोलाई का आकार दे देंगे। अब यहाँ पर आप अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप इसी तरह से गोलाई देकर नॉर्मल इसको रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे भी हमने मार्किंग करी है सबसे पहले हम क्रॉस पट्टी को हटाएंगे। तो आप क्रॉस पट्टी को इस तरह से हटा लीजिए, आपको इस 1/2 इंच के मार्जिन के साथ हटाना है। एक्चुअली यहाँ पर कपड़ा कम ज़्यादा है, ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1/2 इंच मैंने बढ़ाया है। अगर आपका कपड़ा बिल्कुल सीध में है तो आप 1/2 इंच नहीं बढ़ाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो गया है और बैक भी हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। मेन फैब्रिक पर रख लीजिए, सबसे पहले आप बैक साइड को रख लीजिए। इसके बाद आपको बिल्कुल 1/4 इंच मार्जिन रखकर इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 1/4 इंच मार्जिन रखकर इसे कट कर लूँगी। थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि कभी कभी सिलने में कपड़ा यहाँ हिल जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखकर इसे कट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा रखकर मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे साइड में हटाएंगे। अब रख लेंगे फ्रंट पार्ट को, तो जहाँ पर भी कपड़ा एडजस्ट होगा आप वहीं से शुरू कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा कपड़ा हो रहा है तो मैं इसी के ऊपर रख कर इसे कट कर लूँगी। बिल्कुल क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ के हमने सभी पार्ट्स को कट कर लिया था, और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको भी हमने डबल रखा था, इसलिए सभी पार्ट हमारे डबल से कट हो गए हैं। मतलब जो भी हमारे दो दो पार्ट हैं, ये दो दो पार्ट ही कट हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सभी में मैंने क्वार्टर इंच का मार्जिन रखा है। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी मैंने क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ रखा है हर तरफ से, क्योंकि ये कपड़ा हमें कभी कम ज़्यादा ना हो। फ्रंट पार्ट में भी सेम इसी तरह से मैंने क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर ली है। सो फ्रेंड्स, हमारी ब्लाउज़ पर कटिंग और अस्तर की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मेरी अगली वीडियो में हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।